यस, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 फंक्शन। फंक्शन को जितना डिटेल में आप पढ़ेंगे उतना एडवांटेज होगा। एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड है, मैं आपको बोलूँगा भले ही क्लास 11th में है पर फंक्शन को बहुत डिटेल में कवर करें। और मैंने बहुत डिटेल में, मुझे फंक्शन पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहाँ पर जरूर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और बेसिक थ्योरी रिवाइज करेंगे, पर फंक्शन एक मैथ्स का ऐसा टॉपिक है जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग होने से आप समझ लीजिए कि आप 40-50% मैथ्स को बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की बेसिक, पहले एक जनरल डेफिनेशन बताता हूँ। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट अनदर इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड फंक्शन। ये एक जनरल डेफिनेशन है, अभी आपको मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बताता हूँ। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट अनदर इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड फंक्शन। रिलेशन के फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि रिलेशन का ही एक पार्ट है फंक्शन, ऐसा सोच सकते हैं। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी एक्स और वाई का रिलेशन अकॉर्डिंग टू रूल एसोसिएट हो, जैसे हम फंक्शन रिलेशन में बना रहे थे वही कंसेप्ट है। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट अनदर इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे मैं अगर यहाँ देखूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स में आपने 1 रखा y 1 मिला, x में माइनस 1 रखा y 1 मिला, x में 2 रखा y 4 मिला, x में माइनस 2 रखा y 4 मिला, यानी x इंडिपेंडेंट है, आपकी जो मर्जी x रख दें, y चेंज हो रहा है वेरिएबल है बट डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे। इस रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन, देन रिलेटेड x टेंड्स टू y। पर ये एक रूल के अकॉर्डिंग एसोसिएट होते हैं, और किस ढंग से होते हैं तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाएं। तो आप फंक्शन फ्रॉम x टू y इज अ रूल, देखिए लिखा हुआ है, आप फंक्शन फ्रॉम x टू y इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट x ऑफ x अ यूनिक एलिमेंट y ऑफ y। यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या समझिएगा, जब मैपिंग्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये सब कंसेप्ट काम आते हैं हमारे। जैसे सपोज x1 x2 x3 x4 किस ढंग से रिलेटेड है, ये रिलेशन के बाद है y1 y2 y3 y4 मान लो, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, सपोज ये रिलेशन हो गया, ये यूनिक रिलेशन है x का y के साथ। बट कभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ का सिंगल 1 2, ये y1, ये सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट है, ये चलेगा। बट अगर ऐसा हो रहा हो कि x1 यहाँ के 2 एलिमेंट से एसोसिएट है, ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं है, इसलिए ये वर्ड यूज हुआ अ यूनिक एलिमेंट y ऑफ y। मीन्स अब तक आप अगर फंक्शन में अंडर रूट x को आप जैसे रूट 4 को प्लस माइनस 2 लिखते थे, यहाँ नहीं लिख पाएंगे। अगर मान लीजिए फंक्शन है तो रूट 4 का स्क्वायर रूट हम केवल 2 से ही एसोसिएट करेंगे, अगर हमने प्लस माइनस 2 कर दिया तो फंक्शन के एग्जाम्पल्स में नहीं जाएगा। इसलिए जब हम रूट फंक्शन की डोमेन या रेंज बताते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, इनपुट पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव। तो फंक्शन में एक बात याद रखिएगा, फंक्शन फ्रॉम x टू y इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट x ऑफ x अ यूनिक एलिमेंट y ऑफ y, राइट। मींस x और y का ऐसा यूनिक रिलेशन जिसमें x के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की इमेज y में सिंगल हो सकती है, बट x के सिंगल एलिमेंट की y में 2 एलिमेंट के साथ इमेज नहीं हो सकती। और अगर ऐसा हो रहा हो तो हम उसे फंक्शन नहीं बोलते। अब बात करते हैं हम डोमेन और रेंज की। तो डोमेन एंड रेंज इज सिंपल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डोमेन। मीन्स इनपुट को हम डोमेन बोलते हैं, एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। फिर सुनिएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड मतलब जब हम फंक्शन की डिफाइंड देखें, जैसे डिफाइंड कब नहीं होगा, लाइक 1/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, अंडर रूट नेगेटिव, लॉग नेगेटिव, ये सब नॉट डिफाइंड है। तो फंक्शन में जब हम डोमेन बता रहे होते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि x की ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड हो रहा उनको आपको छोड़ना है। और रेंज की डेफिनेशन, रेंज मतलब होता है आउटपुट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर नॉट डिफाइंड डिफाइंड वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि हम लेते ही इनपुट वो है जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, तो जब वो इनपुट लिया जिस पर फंक्शन डिफाइंड है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेंगी, उसे हम रेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब आप इसमें जो चाहे वो इनपुट दे सकते हैं, डोमेन डिनोटेड बाय d, जो इनपुट देना चाहे दे सकते हैं, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी,
बट जब रेंज की बात करेंगे तो आप इसमें चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, आउटपुट विल बी पॉजिटिव. तो रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी. रेंज मतलब होता है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू का सेट. अब लॉजिकली भी समझ सकते हैं, ग्राफिकली भी समझ सकते हैं. अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपसे बोलूँ ग्राफ बनाएं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, पैराबोलिक कर्व है, मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते. तो रेंज हुई 0 टू इन्फाइनाइट, डोमेन हुई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. सपोज मैं आपको फंक्शन बोलूँ, सपोज लीनियर फंक्शन है या आइडेंटिटी फंक्शन है या वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी की लाइन है, तो देखिए क्या होगा. सिंपल, इसका डोमेन ये इस तरह का ग्राफ बनेगा. तो इसका डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, राइट. पर अगर सपोज मैं वाई इक्वल टू वन बाय एक्स लिख दूं तो क्या होगा. मैं अभी फिर बोल रहा हूं आपको कि मैं अभी केवल एनसीईआरटी को दिमाग में रख के आपको बिल्कुल बेसिक रिवीजन करवा रहा हूं, अदरवाइज ये चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने वाला नहीं है. ये चैप्टर तो जितना डिटेल पढ़ सकते हो, जितना डिटेल जितने क्वेश्चन कर सकते हो कम होंगे. ये बोलूंगा वाई इक्वल टू वन बाय एक्स, डोमेन इज रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो. हम जीरो इनपुट में नहीं दे सकते, जीरो देने पे वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड होता है. बट अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करूँ तो रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो. वाई जीरो क्योंकि वन बाय एक्स की फॉर्म है, न्यूमरेटर वन है तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. ये सब कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया. ए बाय बी जीरो कब होगा, जब ए जीरो हो. ए बाय बी वन कब होगा, जब ए बी के इक्वल हो. ए बाय बी ग्रेटर देन वन होगा, जब ए ग्रेटर देन बी हो. ए बाय बी लेस देन वन जब होगा, जब ए लेस देन बी हो. ए बाय बी इन्फिनिटी जब होगा, जब बी की वैल्यू जीरो. तो फंडामेंटल कंसेप्ट है. रेंज निकालने का कोई यूनिक मैथड नहीं होता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट. सपोज मॉड फंक्शन है. मॉड फंक्शन क्या होता है, लाइक दिस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स हम समझें. तो मॉड फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. मॉड कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता. तो डोमेन रियल नंबर, रेंज इज जीरो टू इन्फिनिटी. सपोज क्यूबिक फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या होगा. डोमेन अगर इसका ग्राफ देखें तो ऐसा बनता है. तो डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल, क्योंकि माइनस टू पर माइनस एट मिलेगा. यस और नो. तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है. ग्राफ बना के देख सकते हैं. तो 11th में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, पर 11th का जो कॉम्पिटिटिव वाला पोर्शन है उसमें मैंने फंक्शन ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कवर किया है. अभी तो हम केवल एनसीईआरटी को ही टारगेट करते हुए चलेंगे, तो इसलिए आपको मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन या टाइप बताऊँगा. सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है. एनी इनपुट आउटपुट विल बी इंटीजर. 5 पर 5 देगा, 9 पर 9 देगा, माइनस 2 पर माइनस 2 ही देगा, पर माइनस 2.5 पर माइनस 3, 3.5 पर 3. तो इसका डोमेन होता है रियल नंबर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इंटीजर. अगर हम इसका ग्राफ देखें तो स्टेट ग्राफ बनता है. 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 3. इस तरह से इसका ग्राफ आपको मिलेगा, स्टेप ग्राफ, राइट. यस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस. रिलेशन का ही एक एडवांस पार्ट हम, या रिलेशंस का ही पार्ट है फंक्शन. गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट डोमेन एंड रेंज. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले हम अगर डोमेन देखें तो क्या है, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17. और अगर मैं इसकी रेंज देखूं तो केवल 1 है, राइट. यानी सभी एलिमेंट अगर इसको मैप करता तो सभी एलिमेंट 1 के साथ 2, 5, 8, 11, 14, 17 1 के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, राइट. नो प्रॉब्लम. ये फंक्शन का ही एग्जांपल है और ये इसका डोमेन और ये इसका रेंज हो गया. अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, डोमेन क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इवन नंबर. रेंज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिस इज रेंज. और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक एलिमेंट एक ही के साथ एसोसिएट हो रहा है, यानी ये भी फंक्शन का ही एक एग्जांपल है. अब थर्ड क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, डोमेन 1, 2 एंड रेंज अगर देखें तो 3, 5. अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं मैप कर दूं तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर. 1 एंड 2, यहाँ पर 3 एंड 5. 1 किसके साथ मैप है, 3 के साथ.
ठीक है, वन किसके साथ मैप है? फाइव के साथ। टू किसके साथ मैप है? फाइव के साथ। पर वन किसके साथ मैप है? थ्री एंड फाइव के साथ। ये यूनिक रिलेशन नहीं हुआ तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं हुआ, राइट? ध्यान रखिएगा, क्योंकि वन थ्री और फाइव के साथ तो सेट हो रहा है, यूनिक नहीं हुआ। या एक्स के प्री एक्स के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट वाई के सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हो सकते हैं, बट यहां का सिंगल एलिमेंट वाई के टू एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, राइट? नोट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखिए क्या है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। देखिए यहां मैं फिर बोलूंगा, मैं यहां पर केवल एनसीईआरटी को ऑब्जेक्ट रख के करवा रहा हूं, डिटेल पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही बन जाएंगे, इसलिए मैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो मॉड का माइनस एक्स है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और लॉजिकली देखें तो डोमेन नो प्रॉब्लम, रियल नंबर। एक्स एक्सिस हमेशा डोमेन को बताता है, वाई एक्सिस रेंज को। बट रेंज देखूं तो मॉड का आउटपुट नेगेटिव नहीं होता, पर आगे नेगेटिव लगा है तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें हम तो सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पहले हम समझें तो ये स्क्वायर रूट एक्स से कंपेयर होगा। स्क्वायर रूट नंबर कभी भी नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इसका डोमेन जो होता है वो होता है जीरो टू इनफाइनाइट, एंड रेंज इज ऑल्सो, याद रखना ये टाइप्स ऑफ फंक्शन सब पढ़ा हुआ हमने, जीरो टू इन्फिनिटी। तो आपको केवल कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन आए तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या क्या रूट मिल गए? माइनस थ्री प्लस थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी नेगेटिव चाहिए तो डोमेन हुई माइनस थ्री से प्लस थ्री। रेंज की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट बात, रेंज कभी जीरो से कम नहीं होगी, तो जीरो तो आ गई। अब थ्री रखने पे भी देखिए जीरो आता है, माइनस थ्री रखने पे भी जीरो, बट बीच का न्यूट्रल पॉइंट जीरो रखूं तो कितना मिलता है? थ्री। तो रेंज इज जीरो टू थ्री। स्क्वायर रूट के कई क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में करे हुए हैं, नोट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, सेल्फ आपसे हो जाएगा। द फंक्शन टी विच मेप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन टू टेम्परेचर इन डिग्री फेरनहाइट इज डिफाइंड बाय टी सी इक्वल टू दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 9c बाय 5 प्लस ऑफ 32। अब जैसे पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड टी जीरो, मीन्स आप टी की जगह सी की जगह जीरो रख दें तो क्या होगा, टी जीरो इक्वल टू 32। जैसे सेकंड क्वेश्चन है टी 28, तो क्या करेंगे, सिंपल टी 28 मीन्स 9 इंटू 28 बाय 5 प्लस ऑफ 32, बस सॉल्व कर लीजिए। टी माइनस 10, तो सिंपल टी माइनस 10 मीन्स टी माइनस 10, तो 9 इंटू माइनस 10 बाय 5 प्लस ऑफ 32। फिर टी सी 212 दिया है तो 212 इक्वल टू 9c बाय 5 प्लस 32, तो इससे आप इजीली सी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फाइंड द रेंज एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स, नो प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन है, डोमेन भी देखिए रियल होगी, रेंज भी रियल होगी। जब आप नेगेटिव इनपुट देंगे तो पॉजिटिव भी मिलेगा, राइट? ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं ऐसा है एक्चुअल में, वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस ऑफ टू, इसका मतलब स्लोप जो है वो माइनस ऑफ थ्री है और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस टू है, तो इस तरह का एक ग्राफ समझ लीजिए आप इसका, राइट? इनफैक्ट ये थोड़ा सा डाउनवर्ड भी हो सकता है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव रखने पर ये नेगेटिव रखने पे पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूं तो वाई कितना मिला, टू, और वाई की वैल्यू जीरो रखूं कितना मिला, टू बाय थ्री, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, राइट? सेकेंड अगर देखें हम तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ये पैराबोलिक कर्व है, इसकी ओरिजिन एक्स की जब वैल्यू जीरो रखोगे तो टू पे शिफ्ट होगी। स्क्वायर फंक्शन से कंपेयर करेंगे हम तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो, तो डोमेन तो रियल नंबर, रेंज इज टू टू इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन देखें तो आइडेंटिटी फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स, तो सीधा डोमेन रियल एंड रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर, राइट? एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मिसलिनियस आपसे इजीली बन जाएगी, पर फंक्शन को मैं बोलूंगा आप डिटेल में पढ़कर ही इस एनसीईआरटी को सॉल्व करें, इजीली आपसे सॉल्व होगा, राइट? नोट डाउन।